हाय कृष्णा, राधे राधे कृष्ण। जैसे चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी के पास सब ठीक होंगे। आज है मेरे राधे गोविंद की स्थापना दिवस, तो सुबह के बज रहे हैं 5:15। तो दीदेव अभी करेंगे पंचम स्नान से ही करा के और फिर गंगा जल स्नान करा के मैं इनको विराजमान करूँगी। तो जय श्री राधे। और आज है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी ये राधे गोविंद आज अक्षय तृतीया वाले दिन ही विराजमान होंगे। तो जय श्री राधे। और वीडियो चालू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद। चलो ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगायतामः गंगाजलस्नानं समर्पयामि। एतावानस्य महिमादोज्जायांश पुरुष पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुरुष। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामः स्नानं समर्पयामि। और ये पंचामृत से स्नान करा दिया पतिदेव ने। अब बस मैं इनको और ये पंचामृत का हम सब प्रसाद में ले लेंगे और अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। गणेश के दर्शन भी करिए, हैप्पी अक्षय तृतीया। और इस तरह डेकोरेशन करी है, ये भी लगा दी थी इधर, ये देखो। तो जय श्री राधे। हाय कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी मित्रों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। और पतिदेव ने पंचम स्नान करा दिया है। राधे राधे। और सभी मित्रों को अक्षय तृतीया की बधाई हो। जय श्री राधे। आप सबको भी बधाई हो, आप सबने इतनी बधाई दी तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे। अब श्रृंगार करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। हाय कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दर्शन के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? गणेश जी की कृपा से सब ठीक होंगे। अब मैंने ये राधे और गोविंद जी को पंचम स्नान करवा दिया है और अब मैं इनको राधा रानी को ड्रेस पहनाती हूँ। और कान्हा जी के मैं आधा चंदन लगाऊंगी, आधी ड्रेस पहनाऊंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया है आज। तो पहला इनका श्रृंगार और प्रभु ने दया करी, कृपा करी, जो दोबारा से सेवा करवाने आ गए और अक्षय तृतीया पे विराजमान हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, मैं ड्रेस पहनाती हूँ राधा रानी को, फिर मिलते हैं। हाय कृष्णा, देखिए मैंने इनको ड्रेस पहना दी है, कितनी प्यारी अच्छी लग रही है लाड़ो। तो इनको कानों में भी पहना दिए, लेकिन आज है अक्षय तृतीया तो मैं इनके आधे पे वो लगाऊंगी चंदन। तो क्योंकि बहुत छोटे छोटे हाथ पर है तो ब्रश ले लिया है मैंने और चंदन घोल लिया है, ये देखिए। तो चंदन लगा देती हूँ। राधे गोविंद, राधे गोविंद। और थोड़ा सा डार्क फर्स्ट लेयर बनाऊंगी, मतलब कि अच्छे से। और बिहारी जी यार, तो तृतीया है, चारे में चंदन चंदन लगेगा, ठंडा ठंडा है ना। और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ बढ़िया तरीक़ा से, ऐसे ताकि लगाने में दिक्कत ना हो। जैसे धोती पे लग जाएगा, ख़राब हो रही है, बट कोई बात नहीं, धुल जाएगी। और इस तरह से मैं इनके अच्छे से सब जगह लगा दूँगी। और अभी पेंट वेंट मैं इनका करूँगी। मुंह पे नहीं लगा रही क्योंकि मुंह वैसे ही बहुत छोटा है इनका। थोड़ा सा चंदन बस उस पर लगा दूंगी तिलक के तौर पे। ये देखिए इस तरह से सारे में मेरे बिहारी जी ने, गोविंद जी ने, राधे गोविंद, ये गोविंद जी ने लगवा लिया है चंदन। और अभी तो पहनेंगे पायल भी, लेकिन सुबह सुबह कंफ्यूज हो गई मैं, आराम से बाद में पहनाऊंगी क्योंकि ड्रेस बना दी है।
और थोड़ा सा तिलक लगा देंगे इस तरह से। जय गोविंदा। ठीक है, तो ये मैंने इनको लगा दिया है, आदित्य है। ठीक है राधे, है ना, बस इतना बोलता। तो अब ये गोविंद जी मेकअप हो रहा है, तो मैं इतने लाडो का कर देती हूँ। और ये सब ज्वेलरी है जो मैंने आपको वीडियो में जब ये आए थे तो दिखा दी थी। और ये छोटा सा मैं देख रही थी, जो हार आए वो बहुत बड़े लग रहे थे इनके हिसाब से, तो ये बिल्कुल चुन्नू सा है, मतलब एक इंच जितना ही है। ये साईं भाई ने भेजा था जगन्नाथ से जब इन्होंने, तो अब मैं पहनाऊँगी छोटा सा क्योंकि इतना सही, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है तो गोल्ड गोल्ड ही मन हो रहा था कि गोल्ड लुक में कुछ पहनाऊँ। लेकिन इनका फेस बिल्कुल ही बहुत छोटा सा है, आधे एक इंच का ही, मतलब छोटू सा ही फेस है, और उस हिसाब से फिर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं ये वाली छोटी छोटी मेरी एकदम आँखों के सामने आ गई, तो ये पहन ली। ये देखिए ऐसे है ना, अच्छी लग रही है ना, ये देखो। पहले इन्हीं का दिखा दूंगा मैं आपको क्लोजर। ठीक है, अब ये पहना दी है मैंने, ज़्यादा कुछ और नहीं पहनाऊँगी, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। कमर बंद आई थी इनकी, तो कमर बंद मैं देख लेती हूँ ट्राई करके, तो वो धागे धागे होते हैं ना। अब ये इनकी कमर बंद मैं इनको पहना देती हूँ क्योंकि अभी बहुत सबका श्रृंगार रह रहा है, तो ये कमरबंद मैंने पहना दी है। और गोविंद जी को हवा में खड़ा कर देती हूँ। हरे कृष्णा, पायल रहेगी लेकिन पायल मैं बाद में पहनाऊँगी क्योंकि लहंगा महंगा पहना दिया है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पैर हैं तो आराम से पहनाऊँगी। तो अब इनके हाथ में छोटे छोटे से कड़े पहना देती हूँ, ये देखो कितने छोटे छोटे हैं, सुंदर लग रहे हैं, बहुत टाइट कर। मैंने सोचा नहीं था कि कभी इतने छोटे से स्वरूप की मैं सेवा करूँगी, पर चलो आए हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा श्रृंगार दिखाऊँ, कि जिनके पास भी छोटा स्वरूप है वो इस तरह से सेवा कर पाएँ, श्रृंगार कर पाएँ। ये देखिए, और बस अब इतना ही बहुत है। मैं इनके बाल लगाऊंगी, और बाल ये मैं निधि वन से लाई थी, छोटे से, बहुत छोटे से बाल है और सिंपल ऐसे हैं। इसको मैंने पहले से ही थोड़ा सा कर लिया है क्योंकि आपको पता है मैं जिस हिसाब से लाडली और सबके लगाती हूँ वैसे ही लगाऊंगी इनके भी, तो इस तरह से मैं कर लूँगी। और यहाँ से तो मैं बाल लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बढ़िया तरीके। इनका बहुत छोटा फेस है तो मांग टीका वगैरह तो अच्छा लगेगा नहीं। कोशिश कर रही हूँ बढ़िया सा करने की। और ये छोटी सी लगाऊंगी बिंदी, स्टोन बिंदी सोच रही हूँ, पहले देखती हूँ लगा के कैसी लगेगी। तो हाथ में उतारने में ही गिर जाती है, ये छोटी सी है भाई दादू, छोटी सी है, देखो लगवा ली। और ये मैं ऐसे चाह रही थी बट हो नहीं रहा, अभी फर्स्ट श्रृंगार है तो थोड़ा सा है, यह देखो हो गया। और यही मैं थोड़ा सा, क्योंकि छोटू सा नाक है तो नोज रिंग के उससे टक कर देती हूँ,
वैसे मेरे पास स्टोन भी है पर वो अभी बहुत सुबह सुबह है तो, और इधर मैं मोर पंख सोच रही पकड़ा देती हूँ। एक मिनट चुटिया ना थोड़ा सेटिंग करती हूँ तो इनको परेशान ना करें। और ये छोटू सा पर्स जो आया था लाडली के राधे के हाथ में दे देते हैं। अब देते हैं दुपट्टा, छोटू सा दुपट्टे की सेटिंग मैं कर देती हूँ। ठीक है, हो गई है ये देखिए। तो ये राधा रानी तैयार हो गई है, अब मैं इनको विराजमान करती हूँ। और अब ऐसे ये देखिए इधर आसन पे, और अब मैं गोविंद जी को तैयार करती हूँ। अब ये रहा गोविंद जी का नंबर आ गया, और गोविंद जी को, गोविंद जी आज आपका पहला श्रृंगार है, क्या करें, चंदन चल रहा है यात्रा तो चंदन तो आपको लगाना ही बनता था। तो अब मैं इनको माला पहनाऊँगी, यही वाली सेम, इसमें डोरी बन रही है, एक बार निकाल लो तो देखो ऐसे वाली। मैं इनको खड़े पहना दूँगी, खड़े खड़े आज खड़े खड़े श्रृंगार कर रही, थक गई हूँ। पहले सोचा था रहने दूँ बाद में दिखा दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं अक्षय तृतीय है तो लगे हाथ कर ही देते हैं। कड़े पहना दिए हैं इस तरह से मैंने इनको, ठीक है, और तगड़ी पहना दूँगी ये वाली। तो तगड़ी पहना देती हूँ, शाम 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 राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। तुम्हें पटका ये वाला दूँ कि मोती वाला दूँ? इस तरह से अब इनको कानों में पहना दूँगी, और इनके कानों के आ जाओ। सारी शॉप बंद है लेकिन मैं रखे रहती हूँ एक्स्ट्रा, तो देखती हूँ ये वाले पहना के पहना देती हूँ। तो मैं ये वाले बाल लगा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये पगड़ी अच्छी लग रही है, वो थोड़ी सी बड़ी है जो गोपू की है ना, बट अच्छी लग रही है, थोड़ी हैवी सी लग रही है ना। गोविंद जी तो गोविंद जी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पकड़ा दूँगी बंसी, ठीक है गोविंद जी। तो मेरे गोविंद जी रेडी हो गए हैं, पायल वगैरह मैं इनको बाद में पहनाऊँगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेटिंग करनी पड़ेगी, और इनकी चोली ये रही। तो ये देखिए गोविंद जी का श्रृंगार, अब मैं सेटिंग करूँगी। अभी पहले मोर पंख भी लगाना है अभी इनको। और देखिए मेरे गोविंद जी तैयार हो गए, अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं कराया है क्योंकि वैसे छोटा फेस है, ज़्यादा फिर भर जाएगा। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये थे श्रृंगार दर्शन, और मैं इनको सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो मैं कर देती हूँ विराजमान, जैसे भी देखती हूँ कहाँ करूँ कहाँ करती हूँ, देख रही हूँ कहाँ सेटिंग बैठेगी। तो और ये मेरे राधे गोविंद तैयार हो गए हैं देखिए, और ये इनके श्रृंगार दर्शन है। कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा श्रृंगार, अभी चंदन लगा हुआ है गोविंद जी के, और मेरी राधे वही से जैसा हुआ श्रृंगार मैंने करा, आप बताना कैसा हुआ। ठीक है, हाय कृष्णा। देखिए जी चंदन श्रृंगार हो चुका है मेरे लट्टू को का, और जब भी लड्डू को चला था तो मूवी बना रहा था इसका जो ना बच्चा है ये। तो ये देखिए लड्डू गोपू के श्रृंगार दर्शन, चंदन के आज अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपू बाबू तैयार हो गए हैं। अब बस इन्हें मंदिर में विराजमान करूँगी।